अलैकुम जाने पकवान देखने वालों को मेरा सलाम, और जो दो लोग इस टाइम नहीं देख रहे मेरे चैनल को उनको भी मेरा सलाम पहुंचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए जो चटनी लाई हूँ, चटनी बहुत अच्छी है। ये मैंने अमरूद की चटनी बनाने लगी हूँ। अमरूद की चटनी जो है मेरे घर में बहुत इस्तेमाल होती है, और आजकल सीज़न भी है। वैसे तो अमरूद का आजकल सारा साल ही सीज़न रहता है, लेकिन इसका एक ख़ास सीज़न होता है जिसमें ये आते हैं। ये मैंने दो लहसुन के जवे लिए हैं, इसको मैं पीस रही हूँ, और चटनी मैं बना रही हूँ आपके लिए स्पेशल है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, उस पर आपके बिल्कुल चार्जेस नहीं लगेंगे, वो आपको बिल्कुल फ्री है। जो दो लहसुन के जवे मैंने लिए हैं, इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है, और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, ये मैंने दो ली हैं छोटी, इनको भी मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। मेरी कोशिश होती है कि आपको डिफरेंट और अच्छी चीज़ें दूँ। ये चटनी बहुत मज़े की बनी है और बाकी चटनियों से हटके है। इसको आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि चटनी का जायका मुझे ख़ास तौर पे ऐसे ही अच्छा पीस के लगता है हाथ से। ये मेरे पास अमरूद हैं, मैं इनको अच्छी तरह पीस लूँगी। दो अमरूद लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के। इसके साथ ही मैं लाल मिर्चें डाल दूँगी, लाल मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगी कुटी हुई। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह पीस लूँगी, इसको थोड़ा सा पीस के मैं इसमें थोड़ा सा जीरा शामिल कर दूंगी और इस अच्छी तरह पीस लूंगी। चटनी हमारी पिस गई है, ये देखिए अमरूद बिल्कुल अच्छी तरह हो गए हैं। मैंने जीरा के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह कर लिया था, बहुत मज़े की बनती है। देहात में तो अक्सर लोग इसके साथ रोटी भी खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें डाल लूँगी। दोपहर को तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ वो लोग इस ऐसी चटनी बना के इसको सालन की जगह इस्तेमाल करते हैं। चटनी हमारी तैयार है, बहुत मज़े की है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। ये अक्सर गांव में लोग जो हैं वो ज़्यादातर यही खाते हैं चटनी, उनकी तरह गांव में ये चटनी शौक से इस्तेमाल की जाती है। बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ऐसी ही जल्द तैयार होने वाली रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और अपने पैरों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।